Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. Assalamualaikum पाकिस्तान, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ हया खान और आप सुन रहे हैं हम आहंग फॉर राइट्स हकूक सीरीज स्पॉन्सर्ड बाय शऊर फाउंडेशन। तो आज का प्रोग्राम जिसका टॉपिक है पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और जी आपको बताते चले इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ सेनेटर सना जमाली मौजूद हैं जो कि यूथ पार्लियामेंटेरियंस फोरम पाकिस्तान से हैं। सबसे पहले हम सना जमाली जो है उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा मैम हमारे साथ मौजूद हैं और आज का जैसे कि हमने बताया है द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय शऊर फाउंडेशन हम आहंग फॉर राइट्स हकूक सीरीज, और टॉपिक आज का पॉलिटिकल पोलराइजेशन पे है। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन के हवाले से, सबसे पहले मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे साथ शेयर करें, हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करें अबाउट योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। इसके अलावा आप अपना प्रोफेशनल जर्नी हमें बता सकती हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? Basically, I belong to the province of Balochistan and जो few youngest parliament है पाकिस्तान में उनमें से मैं एक हूँ। I am a basically lawyer myself और rather I work for Pakistan और मैं एक physiotherapist हूँ। अच्छा, मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी होती है कि हाउ आई शुड सर्व माय कंट्री। जी जी। और मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जो फैमिली है 90 इयर्स से पॉलिटिक्स में है। कायदे आजम मोहम्मद अली जना हमारे लॉयर थे, और इससे क्या बढ़कर हमारे लिए एजाज है कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। और रिगार्डिंग माई पोलिटिकल करियर, जब आप देखते हैं आंख खुलती है कि जी आपने इंसानियत की खिदमत करनी है, आपने लोगों का काम करना है, तो वो एक जनरेशन वाइज आपके पास एक डेवलप हो जाती है फीलिंग जी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने घर में ऐसा माहौल देखा कि नहीं, आपने अपना भी ख्याल करना है, पड़ोसियों का भी ख्याल करना है, और अपने आप को आपने कम रखना है, और प्रायोरिटी है पाकिस्तान फर्स्ट। जब ये चीज आपके घर में डेवलप हो जाए तो आपका होता है कि आप आके काम करें। उसके बाद 2010 के जो फ्लड्स आए उसमें आई वाज इन अ फैमिली वे, तो व्हेन आई सॉ द फ्लड्स डिस्ट्रक्शन एंड माय डैड गॉट वरिड के 3 दिन बाद हमारे पास भी पानी आ जाएगा, मैंने कहा जी वालिद साहब अल्लाह तो है ना जी, बिल्कुल। तो फिर आई वाज उस टाइम 6 months 7 months प्रेगनेंट, आई स्टार्टेड वर्किंग कैंपेनिंग फॉर बलोचिस्तान। उस वक्त कोई लोग भी नहीं आना चाहते थे कि जी उनका जैसे पैरामीटर होता है कि जी पता नहीं क्या है, कौन सा सूबा है, क्या है। तो मेरे में डेवलप हुआ कि नहीं, हम नहीं उठेंगे तो कौन हमारे सूबे के लिए काम करेगा, कौन कंट्री के लिए काम करेगा जी, बिल्कुल। तो उस सैलाब ने हमें इतना रेवोल्यूशन किया जहाँ पे नौशेरा पूरा डैमेज हो गया था, सवात डैमेज हो गया था, ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए थे कि नहीं आई हैव टू वर्क फॉर पाकिस्तान। तो इस तरीके से मैं 2010-11 के फ्लड्स में रिलीफ वर्क में आई। फिर देन स्टार्टेड वर्किंग जाफराबाद में औरतों को कन्विंस करना कि नहीं यू हैव टू इनरोलमेंट हमारी गर्ल्स एजुकेशन की ज्यादा हो, क्योंकि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान जो है वो गर्ल्स पे डिपेंड करता है जी। और अगर एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो आपकी नेशन पढ़ी लिखी होगी और आप उसी तरीके से ले जाएंगे। तो आज माशाल्लाह से इनरोलमेंट उस एरिया में 15,000 बच्चे हैं, 70 एनजीओज एट द टाइम वर्किंग। तो इस तरह सफर चलता गया। देन 2015 में मैंने सेनेट के इलेक्शन लड़ा जी, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट, लेकिन उसका ये फायदा हुआ कि हमारी पार्टी बन गई। उस वक्त बलूचिस्तान की हार्डली एनी 2 लेडीज थी जो पॉलिटिक्स में आई हुई थी सेनेट के इलेक्शन के लिए, एंड आई वाज द वन। तो प्रोबेबली उन्होंने कहा ये छोटी है, शायद नहीं कर सकेगी, उन्होंने दूसरी कैंडिडेट को टिकट दे दिया जी। चले जी, उस वक्त मेरे वालिद साहब स्पीकर थे बलोचिस्तान असेंबली के, उन्होंने कहा नहीं आज मैं अपने बच्ची को नहीं उठाऊंगा, कल दूसरे भी नहीं उठाएंगे, तो यू हैव टू फाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ माय पॉलिटिकल करियर। बिल्कुल। और उन्होंने उस वक्त 5 मार्च को ऐलान कर दिया कि जी आई डोंट माइंड रिजल्ट, आई इंशाल्लाह हम अपनी पार्टी फॉर्म करेंगे। इसी तरह फिर हम 2018 में आए वी फॉर द सेनेट इलेक्शन, और इसी तरह हम 6 लोग आए। तो जी जहाज से हम आ रहे थे जी, उन्होंने कहा कि जी क्या कर रहे हैं आप लोग, ये 6 लोग क्या आके करेंगे। लकीली आई हैड माय 5 colleagues विद मी, 6th वन आई वाज, तो चेयरमैन सेनेट हमारी पार्टी से इलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम जब फील्ड में आते हैं तो काम करते हैं और प्रूफ करना पड़ता है, एंड स्टिल वी आर लर्निंग। ये पोजीशन है।
दैट इज़ वेरी नाइस. अच्छा जी, हम मैं हया खान और हमारे साथ सेनेटर सना जमाली मौजूद हैं, मेंबर यूथ पार्लियामेंटेरियंस फोरम पाकिस्तान से. बहुत ही अभी हमने थोड़ी देर पहले उनसे एक क्वेश्चन किया था जिसका उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड आंसर दिया है. और द प्रोग्राम इज़ हम अहंग फॉर राइट्स हकूक सीरीज स्पॉन्सर्ड बाय शऊर फाउंडेशन. तो मैम, हम सेकेंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे कि हम पोलराइज्ड सोसाइटी की बात करते हैं, तो आपके ख्याल में ये पोलराइज सोसाइटी का क्या मतलब है? इफ वी से के पोलराइज सोसाइटी, तो इसका क्या मतलब है? बेसिकली वी हैव गॉट डिफरेंट सॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. हर एक के अपने व्यूज होते हैं और वो हमें डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह आगे लेके चले. अभी मैं और आप हैं, आप लोगों की थिंकिंग मेरे और आपकी भी थिंकिंग डिफरेंट होगी, बिकॉज जो मेरा बैकग्राउंड है सोशल कल्चरल वैल्यूज वो डिफरेंट है, जो आपका सोशल कल्चरल वैल्यूज डिफरेंट है. तो इस तरह थिंकिंग डिफर, लेकिन वी हैव टू वर्क फॉर अ पॉजिटिव पोलराइज्ड सोसाइटी. जी बिल्कुल, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो काम करें, हमारे कंट्री को जो आगे ले चले, और इसमें हमारे जो एल्डर्स हैं उनका बड़ा रोल होता है, थिंक टैंक्स का बड़ा रोल होता है. स्पेशली सबसे पहले तो माँ आपकी टीचर होती है, फिर आपका घर से मतलब पहले आपका कुरान टीचर हो जाता है, माँ हो जाती है, देन यू गो टू द स्कूल, देन यू गो टू द प्रोफेसर्स एंड इंस्टीट्यूशंस लेवल्स. तो इस तरीके से आप आते हैं. जी बिल्कुल सही कहा आपने. और इसके अलावा हम आपसे ये पूछेंगे कि हाउ यू सी दिस कॉन्सेप्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अगर हम पाकिस्तान पॉलिटिक्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की सियासत को लेके अगर हम बात करते हैं, तो आप कैसे देखती हैं इसको? मैं फ्रेंकली स्पीकिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पैरामीटर्स बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं इधर बात करूंगी कि हमें अपने यूथ में टॉलरेंस लाना चाहिए. जी बिल्कुल. और सबसे पहले हमें ये फील करना चाहिए कि भाई मुल्क है तो हर चीज है. इस मुल्क के लिए हमें फख्र होना चाहिए कि हम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का शुक्रिया अदा करें, अलामा इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करें, हम सर सैयद अहमद खान का शुक्रिया अदा करें, शुक्र करें कि हमें आजाद मुमलकत पाकिस्तान मिला हुआ है. आप कश्मीर के लोगों से तो हालात पूछें, आप उनकी लास्ट चेक पोस्ट पे तो जाएं, आप पैलेस्टाइन में तो जाएं, उनके हालात पूछें, आप शुक्र अदा करें आपको मुल्क बड़ों ने दिया है. और जिन घराने का फ्रीडम फाइटर घराने से ताल्लुक है, जिन्होंने वो 1947 के मसाइल देखे, उनसे आप पूछें कि आजादी क्या होती है. बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने यूथ को समझाना पड़ेगा, भाई पहले पाकिस्तान है, बाद में आपका लीडर. आपका लीडर होना चाहिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका लीडर होना चाहिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, आप उनको आइडियल बनाए. जी बिल्कुल सही कहा, कोई उसके काबिल नहीं है. जी बिल्कुल ठीक कहा. जी लिसनर्स, आपको बताते चलें कि आप हम अहंग फॉर राइट्स हुकूक सीरीज प्रोग्राम सुन रहे हैं, स्पॉन्सर्ड बाय शऊर फाउंडेशन. हमारे साथ सेनेटर सना जमाली मौजूद हैं और बहुत ही प्यारी बात उन्होंने की है. और इसके अलावा हम ये भी आपसे पूछेंगे मैम कि आपकी ओपिनियन में वट आर द मेन रीजन्स, ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से हमारा जो ये माशरा है बहुत ज्यादा डिवाइड हुआ हुआ है? मैं आपको बताऊं, पहले हम थे, हमारे पास अपने वालदैन के लिए टाइम होता था, फ्रेंकली स्पीकिंग. जी बिल्कुल. हम 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, हम सुबह 7 बजे उठते थे, हम सुबह ने न्यूज देखनी होती थी, फिर हम 8 बजे स्कूल चले जाते थे, हमारे स्कूल में नेशनल एंथम होता था, हमारे कुरान की किरत होती थी जो हमने स्कूल, हमारी टीचर गुजरती थी हम एहतराम. जब से ये सोशल मीडिया आया, इसने टाइम आपका कर दिया है. हमारे बच्चे सारा दिन सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, वो बड़े हमारे बैठे होते हैं, दादी नानी अक्सर आप देखते हैं कि भाई तुम लोग मेरे लिए बैठे हुए हो या सोशल मीडिया पे, टाइम नहीं है आप इतना बैठे हुए. वो बड़े आपको गाइड करते थे कि भाई बड़ों का अदब है, बड़ों का लिहाज है, आप सियासत में इख्तलाफात करो भी, लेकिन एक दूसरे के लिए वापस आने का रास्ता खोलो. जी बिल्कुल. विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कांट रीच एट द कंक्लूजन. ऐसा ही है. अच्छा, हाउ यू सी यूथ्स रोल, अगर हम यूथ के रोल की बात करते हैं, हाउ यू सी यूथ्स रोल इन एक्सक्लेटिंग द पॉलिटिकल डिवाइड? मैं आपको बोलूं, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंट नेशन ऑफ द 4th-5th इंटेलिजेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड है, यूथ हमारी जो मेजोरिटी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो यूथ है. और हम अगर आप यूथ को मोबिलाइज करें, देखिए इंडिया किधर चला गया, बांग्लादेश किधर चला गया, आप एक जारा के ब्रांड में चले जाते हो, उधर एक टैग लग जाता है मेड इन बांग्लादेश, हालांकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो हमारी है. व्हाई कांट वी यूज दिस गैजेट्स इन अ पॉजिटिव वे? सही. आप घर बैठे सेल्स अपनी ऑनलाइन करो, आप घर बैठे अपने मुल्क के लिए ट्रैक करें, आपके पास इतना अच्छा टूरिज्म ट्रैक मिला हुआ है, आपके चारों सूबों में किसी चीज की कमी नहीं है, आप उसको ट्रैक पे लाएं. जी ऐसे ही है.
ठीक है. अच्छा, इसके अलावा प्रेजेंटली भी अगर हम देखें ना मैम कि मतलब हमारी जो सोसाइटी इज एट इसकी पीक अगर हम देखते हैं तो मतलब आवर पॉलिटिकल लीडर्स आर यूजिंग दिस सेगमेंट ना जो पॉलिटिकल लीडर से हम भी बैठे हुए थे तो मैं अपने पॉलिटिकल लीडर से ये गाइडेंस उनको बोलूंगी कि अपने हर एक के आइडियल होते हैं. जैसे मेरा समझे मेरा वालिद साहब मेरा आइडियल है, इज अ पॉलिटिकल, हर एक के आइडियल होते हैं बट उनमें हमें शऊर पैदा करने, हमें सिविक सेंस पैदा करना है कि भाई फर्स्ट पाकिस्तान इज प्रायोरिटी, देन सेकंडली यू हैव टू रिस्पेक्ट, थर्ड आप जब बाहर मुल्क जाओ आप अपना पासपोर्ट एज अ पाकिस्तानी लेके जाते हो जी. पहले आपको कंट्री मैटर्स फर्स्ट, मुल्क है तो हर चीज है. सही, बिल्कुल ये चीज है. जी लिसनर्स, आपको बताते चलें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम अहंग फॉर राइट्स हुकूक सीरीज, और आज का जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं दैट इज अ पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय शऊर फाउंडेशन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा आपसे ये है कि हमें बताइए कि व्हाट रोल द पॉलिटिकल लीडर जो है वो एक पीसफुल सोसाइटी, एक पीसफुल माशरे के लिए प्ले कर सकता है for political for polarized youth. Being a political political society, हमें सबसे पहले अपने youth को बताना है कि आजकल जो climate change के after effects आ रहे हैं, what Pakistan is being suffering, economic crisis क्या आ रहे हैं, और political society को ये बताना चाहिए कि भाई आपने मुल्क को track पे किस तरह लाना है. आप बजाय कहो कि ये गलत है ये सही है ये चोर डाकू, इस सियासत से आप निकलें. यू हैव टू वर्क फॉर योर कंट्री, यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ, यू हैव टू सी पाकिस्तान आफ्टर 30 इयर्स फार बिहाइंड. बिल्कुल. और ये पॉलिटिकल लीडरशिप को गाइड करना चाहिए. हाँ, यू पीपल थिंक आई एम आइडियल, हम कोई भी 100% जो है वो फरिश्ते नहीं है, हमारे से भी गलतियां हो जाती हैं, बट हमें अपने गलत और सही का पता होना चाहिए. हम अपनी यूथ को ये नहीं बोले कि जी आप पाकिस्तान के आके एलिमेंट्स डिस्ट्रॉय करो. जी बिल्कुल. ऐसे तो ये चीजों को हमें काउंटर करना चाहिए कि जिसने हमें मुल्क बना के दिया, हमें उसकी इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पैरामीटर्स, वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर कंट्री, वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर पाकिस्तान आर्मी. वो जो बॉर्डर्स पे रातों को नींद खराब कर करके बैठे होते हैं हमारे, आप केल चेक पोस्ट चले जाएं, आप वादी नीलम चले जाएं, आप थर पार कर चले जाएं, वो तो इस तरह सो रहे होते हैं कि इररिस्पेक्टिव. और पाकिस्तानी आर्मी तो हमारी जो है वन ऑफ द फ्यू स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड है, हमारे रोल मॉडल है, हम जिस पे हम एटॉमिक नेशन है, वी शुड फील प्राउड फॉर दैट. ये आप क्राइसिस छोटे मोटे दुनिया के लिए आते रहते हैं, हम इनको कॉम्बैट करते रहते हैं. ये कुर्सियां आर्जी हैं, ये ऑफिसेज आर्जी हैं, आपने अपने रब को जवाब देना है. और वैसे भी पॉलिटिकल लीडर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल वैसे भी प्ले कर सकता है अगर कुछ स्टेप्स ले लिए जाएं आपके आपके ख्याल में, अगर जैसे कि देयर शुड बी प्लेटफॉर्म्स जहां पे यूथ को जो है पॉलिटिक्स के बारे में. मैं आई एम लीडिंग द एजुकेशन पार्लियामेंट्री कॉकस, और 2018वीं तरमीम के बाद जिस तरह सूबों को इख्तियारात चले गए थे तो इस वजह से पार्लियामेंटेरियंस ने एक बड़ा अच्छा काम किया, एजुकेशन पार्लियामेंट्री कॉकस, वो हमने मार्च में स्टार्ट किया थ्रू कंसेंसस ऑफ ऑल द पार्लियामेंटेरियंस. हमने टारगेट ही पहले ये रखा है कि व्हाई देयर आर मोर गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल्स क्यों हैं, बच्चे क्यों बाहर पढ़ रहे हैं, उनको किस तरह मोबिलाइज करें, उनको किस तरह हम सिविक सेंस सिखाएं, उनका जो 2 घंटे मोबाइल पे लग जाते हैं गेम खेलने में, उस मोबाइल से वो अपने लिए पैसे कैसे अर्न करें. और आजकल जिस तरह फ्यूल क्राइसिस है, जिस तरह ड्राउट क्राइसिस है, उनमें बच्चा कैसे मेंटेन करें, उनको हम ऑनलाइन लर्निंग पे कैसे ला सके. हमें अपने स्कूल्स में एक क्लास लेनी चाहिए वीकली बेसिस पे कि आपके ये मॉरल वैल्यूज हैं, यू हैव टू हैव अ कंट्री सेट ऑफ रूल्स. जी. पहले तो हम लोग अपने माँ बाप का ख्याल कर लेते थे ना, हमारी जो अगली नस्ल है वो तो मोबाइल वाली नस्ल है, वो तो हमें पूछेगी भी नहीं. बिल्कुल ऐसा ही. ओके, सही आपने कहा. और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पोलराइजेशन ऑन पाकिस्तान, क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है. भाई वो तो लीडर का काम है, वो अपने लीडर को अपनी छोटे छोटे इंटरेस्ट को साइड पे रखने चाहिए, अपने कंट्री को फर्स्ट पे रख. जिस दिन आपने कंट्री को फर्स्ट पे रखा आपको थोड़े अरसे के लिए आपका पर्सनल नुकसान हो जाता है, लेकिन आपकी वो जो है ना नस्ल बन जाती है. बड़े लीडरों ने क्या नस्ल दी, मिस्टर जिना गेवस जी, उसकी वजह से तो हम इधर बैठे हुए. बिल्कुल. वी नीड टू हैव ब्रॉडर थिंकिंग कि सबसे पहले तो हम अपनी नेशन को, हमारा जो लिटरेसी रेट है कि हम देखेंगे एशियन कंट्रीज में हम किधर जा रहे हैं, हमारा लिटरेसी रेट क्यों
आगे कितना परसेंट हम जा सकते हैं, उन चीजों पे कंसंट्रेट करें. सेकेंडली, वी आर इन एग्रीकल्चर फील्ड, हम उस एग्रीकल्चर को किस तरह मोबिलाइज करें कि हमारे जो यूथ हैं वो एक ट्रैक से दूसरी. जब हम बीइंग पॉलिटिकल लीडर से माय सेल्फ, हम सबसे पहले अपने यूथ के लिए सोचें कि हमें उनको जॉब देनी है, हमें उनको इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना है. कोई ये बंदा है, दूसरे ट्रैक पर जाएगा भी नहीं. जी बिल्कुल. और वैसे तो हमें अपनी खामियां भी सही करनी चाहिए, और हम लोग सीखें कि भाई अगर हम गलत हैं तो हम अगले वाले की बात सुनना सीखें, और उसी में फायदा है. और अगर झुक जाने में कोई बुरी बात नहीं होती है, आप आगे निकल जाते हो. बिल्कुल. और करेंटली अगर हम देखें तो पाकिस्तान हैज बिकम वेरी पोलराइज्ड, यानी कि बहुत ज्यादा ये चीज घर घर में लड़ाई हो रही है. वो उसी को हमने चेंज करना है, और कर सकते हैं. पाकिस्तान ने बहुत क्राइसिस देखे हैं, इनसे भी हम निकल के आ जाएंगे. कोई इस तरह मसले नहीं. बड़े बड़े आप बैक टू गजवाए बदर जाए, गजवाए उहद जाए, उस तरह के हालात आप लोगों ने फेस किए हैं, तो ये तो छोटी चीजें हैं. जब आपके पास अभी तक पाकिस्तान में क्रीम हर पार्टी में मौजूद है जी. और वो थिंक टैंक एक टेबल पे बैठ सकते हैं और बैठने के लिए तैयार हैं, बिकॉज उन सब पॉलिटिशियंस की एक ही प्रायोरिटी होती है कि हम पाकिस्तान को ट्रैक पे किस तरह लाएं. इसके अलावा एक और बात भी है ना, कि अगर हम देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस इन द केस के जो औरतें हैं, मतलब दे डोंट हैव राइट टू वोट इटसेल्फ. तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो हमारे इलेक्शन कमीशन ने बड़ी अच्छी कर दी है कि जी इतने परसेंट औरतें वोट कास्ट करेंगी तो फिर आपका रिजल्ट आ सकेगा जी. ये तो पिछले लास्ट टाइम जब 2018 इलेक्शन में जो खैबर पख्तूनख्वा के दो डिस्ट्रिक्ट थे उनका बाहर इलेक्शन दोबारा हो गया था जी. जी. और मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वुमेन की है, तो हर एक का राइट है, क्योंकि हर घर में एक इमरान भी है, एक नवाज भी है, एक जरदारी भी है, एक कुदुस बिजन जो भी है, तो इट्स यू नो ये फ्रीडम है जी. बिल्कुल. तो और पाकिस्तान में ये डेवलप हो गई है थिंकिंग, इट्स अ गुड साइन, बट दे शुड एक्ट पॉजिटिवली फॉर पाकिस्तान जी. अच्छा, हम आपको बताते चलें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम अहंग फॉर राइट्स हुकूक सीरीज, स्पॉन्सर्ड बाय शो फाउंडेशन. और हमारे साथ जो टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल पोलराइजेशन, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं. हमारे साथ आज सेनेटर सना जमाली मौजूद हैं, मेंबर YPF से, और हम इस बारे में बात कर रहे थे पोलराइजेशन के हवाले से. अगर बात करें, अभी हमने जो वोट की बात की है, वुमेन का ये राइट है. इसके अलावा अगर हम देखें तो रिलीजियस वायलेंस बहुत ज्यादा पाई जाती है, मतलब रिलीजियस वायलेंस जो है इट्स इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. इस हवाले से क्या कहेंगे आप? वो जो हमारे उलमा है, मदरसा है, हमारा जो इदारा है, उसके साथ बैठ के हमारे पॉलिटिशियंस बैठे हैं, और हर चीज कम हो सकती है. इस्लाम इज अ फ्री रिलीजन, आपको बहुत फ्लेक्सिबल इस्लाम में रखा हुआ है. तो व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, हर चीज का एक सोल्यूशन है. ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, लेकिन अच्छे तरीके से अगर हम समझाएंगे. लास्ट ईयर मेरी प्रेजेंट अलवी से मुलाकात हुई, उनसे बड़ी अच्छी एक बात हुई. उन्होंने कहा हम जो खुतबा देते हैं जुमे के नमाज के दिन, हमारे मौलवी उनको एक स्पेशल हम टॉपिक्स दे दिया करें कि भाई आप इसको इस तरीके से समझाएं अपनी नेशन को. तो इस तरह ये माइनर माइनर एफर्ट्स जब हम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को भी हम कर लेंगे. बिल्कुल ठीक कहा. एंड प्लीज टेल हस कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन प्रॉब्लम जो चल रही है पाकिस्तान में, इसको इस मसले को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एंड व्हाट आर दोस एलिमेंट्स, ऐसे कौन से अनासर हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. सबसे पहले तो आपकी पेट्रियोटिक थिंकिंग होनी चाहिए जी. आपने रिसेंट एक देखा होगा चौधरी शुजात का पिछले दिनों बैनर लगा हुआ था कि पाकिस्तान मैंने बनाया था, आए पाकिस्तान को बचाएंगे हम. तो वो तो उनका तो चौधरी जहूर इलाही की फैमिली घराने से ताल्लुक है. तो इस तरह अच्छे अच्छे लोग आपके फिनोथेरेपिस्ट निकल आए, और इंडस्ट्री से निकल आए, एजुकेशनिस्ट निकल आए, कि वो पहले मुल्क बचाओ. मुल्क में शुक्र है हम आराम से सांस ले रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं. लोगों की इस नजरें हैं इस एटॉमिक नेशन पे जी. तो हमें अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए काउंटर करना चाहिए. आप बाहर के मुल्कों के कंट्रीज में जाते हैं जी. आप हशर देखते हो, पहला सवाल आके हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो करते हैं, पाकिस्तान का क्या हाल है जी. तो ये इसीलिए हम लोगों को सबको एक टेबल पे बैठ के और ये सोल्यूशन निकालनी, और वो ये निकल जाती है जी. सही.
अच्छा, एलिमेंट्स की जैसे हम बात अभी कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स में अगर हम देखें एलिमेंट के, गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज वगैरह भी बनानी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको बोलूं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमेशा ऑन एंड ऑफ हमें कुछ दिया है, और थोड़ी और पॉलिसीज हम जिस तरह मॉडिफाई करेंगे, जैसे हमारी एजुकेशन कॉकस आ गई है, और इस तरीके से हम फोरम सेमिनार्स एंड देयर मस्ट बी वीकली ट्रेनिंग्स फॉर द टीचर्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द यूथ, कि भाई ऑनलाइन ही आ जाएं, कि इनको हम अच्छे अच्छे लेक्चर्स देंगे, भाई व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू, वेयर यू वांट टू गो, वेयर इज योर ट्रैक एंड व्हाट आर योर मॉरल वैल्यूज। तो इस तरह की जब हम बातें करेंगे और पॉजिटिव, अच्छा इसमें मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। जी बिल्कुल, आप जो मीडिया में रोज दिखाएंगे कि भाई मैंने ये खत्म हो गया, पाकिस्तान खत्म हो गया, पाकिस्तान में ये, बाहर की कंट्रीज में दे गिव यू अ पॉजिटिव पिक्चर ऑफ द कंट्रीज, विच वो हम मीडिया को यही मैं गुजारिश करूंगी कि ये जितना से ज्यादा यूथ को पॉजिटिव ट्रेंड सिखाएं, ताकि मुल्क ट्रैक पे चले। सर्बिया भी इन चीजों से निकल आ गया है, आप देखें बोस्निया हर्जेगोविना और इस तरह का। हाँ, आप कहते हैं कि जेंडर वायलेंस रिलीजियस वायलेंस वो तो अमेरिका में भी पाई जाती है, लेकिन वो इतना तो हम मीडिया पे तो छालते नहीं है ना। हम अब टेक्निकल तरीके से हम डील करें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, और वो विदाउट वन मैन टीम शो नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स का ब्लेम करें, इट्स अ टीम वर्क, और सारे सोसाइटीज को मिल बैठ के हमने ही करना है, कोई और दूसरा बाहर से हमें नहीं आएगा। जी बिल्कुल, जैसे एक हमारा जो दुश्मन कंट्री है, पिछले दिन उन्होंने बयान दिया, कहते हैं जी आप पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं, वो खुद अपने दुश्मन बने हुए, हमें क्या फायदा है, आई डोंट वांट टू टेक दैट कंट्रीज नेम, तो हम क्यों अपने मुल्क के दुश्मन बने, हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इसमें बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल भी हो सकता है, जैसे कि मास अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट जो है विद द हेल्प ऑफ एनजीओस भी तो काम कर सकते हैं, लाइक विद द सोशल साइंटिस्ट लीडर्स के साथ। आज भी तो हम शऊर फाउंडेशन की वजह से इधर आए हुए, उन्होंने कन्विंस किया, तो एनजीओस आर ऑलवेज वर्किंग ऑन, चाहे आप फ्लड्स की सूरत में देख लें, चाहे जलजिले की सूरत में देख लें, चाहे एजुकेशन पॉलिसी में देख लें, सो दे आर ऑलवेज वर्किंग हार्ड, और वो तो चाहते हैं कि जी हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस, क्योंकि जितने तक आपका लीडर पॉलिश्ड नहीं होगा ना, क्योंकि ही शी हैज टू रिप्रेजेंट द कंट्री, रिप्रेजेंट इंटरनेशनली नेशनल लेवल पे, तो एनजीओ जिस तरह आगे रोल प्ले करें, शुक्र है हम फैक्ट से निकल हैं, और आगे हम इसको पॉजिटिव तरीके से एनजीओ के कोलैबोरेशन से हम ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल सही। ओके जी लिसनर्स, आपको बताते चलें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम अहंग फॉर राइट्स हुकूक सीरीज, स्पॉन्सर्ड बाय शऊर फाउंडेशन, और आज का जो टॉपिक है दैट इज पॉलिटिकल पोलराइजेशन। हमारे साथ सेनेटर सना जमाली मौजूद हैं, मेंबर YPF से, और पोलराइजेशन के हवाले से बात कर रहे थे, यूथ के कुछ हवाले से बात कर रहे थे, डिफरेंट थिंकिंग्स के हवाले से, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एनजीओज का है, एंड थैंक्स टू शऊर फाउंडेशन के आज ये प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। खैर, वो You think के, what are the responsibilities of youth, की क्या responsibilities हो सकती हैं इस हवाले से? Youth की जो मैं आपको बताऊं, recent floods. Thanks for watching and subscribe to our channel.